जो मेरे बच्चे के साथ में तीन एक ही कमरे में पढ़ रहे थे, यश शर्मा और यश डडवानी और वैभव गुजर, तीनों एक ही साथ में सिलेक्शन हो गए। मैं वैभव गुजर, मैं का फादर रामकुमार गुजर हूँ और मैं एक साधारण परिवार से ही हूँ, और मेरे दोनों बच्चे बच्ची जो इनके CLC में जाके भर्ती हुए हैं, आज एक बच्चा एम्स के अंदर पढ़ रहा है और एक मेडिकल में ही जयपुर में पढ़ रही है, दोनों MBBS कर रहे हैं, दोनों ही बॉस की और CLC की कृपा से है। आपके बच्चे कितने हैं? एक बच्चा और एक बच्ची है। दो बच्चे हैं, दोनों ही MBBS वाड़ा के हो, दोनों डॉक्टर बन गए। अब और तो साहब क्या चाहता हूँ आप, यही है। जो मेरे बच्चे के साथ में तीन एक ही कमरे में पढ़ रहे थे, यश शर्मा और यश डडवानी और वैभव गुजर, तीनों एक ही साथ में सिलेक्शन हो गए और तीनों बच्चे एक साथ पढ़ के भी एक ही कमरे में पढ़ के तीनों एक ही स्कोर में पास हो गए हैं 12वीं के साथ में। मेरा बच्चा दोबारा रिपीट करके भी एम्स के जाना चाहता था, इसलिए दोबारा एम्स में रिपीट करके वापस एम्स में ही गया। तो ये सब CLC की कृपा है। एक साधारण बच्चा और साधारण परिवार का बच्चा CLC में बढ़ के ही आगे बढ़ सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और एक एग्जाम्पल याद आ गया मेरे को, आप देखो तीन बच्चे जाते हैं भीलवाड़ा से, एक रूम में रहते हैं, जो रूममेट है वो तीनों सिलेक्ट होते हैं। उनमें से एक महेश जोशी नाम का बच्चा था, उसका गार्जियन आए हुए तो जोशी जी मारे, उस लड़के के तो मालिक 10th में 6.74 CGPA था, केवल कुछ ऐसा CGPA था, मतलब 7.7 डिजिट वाला CGPA था 10th में। वो लड़का 12वीं के साथ धुले गया है मेडिकल कॉलेज में। मैं सभी भाइयों को यही कहता हूँ, निवेदन करूंगा कि बच्चों को बाहर बैठने में हिचकना नहीं चाहिए और एक बार धक्का दे के किसी भी हॉस्टल में पहुंचा देना चाहिए। और मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि CLC साधारण परिवार के लिए और साधारण बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।